तीन दिन के हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान कोलकाता नेशनल मीडिया की सुर्खी बना रहा। लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई। वैसे लोकतंत्र बचाने का तो नहीं पता, लेकिन ममता की ये कोशिश 2019 की आम चुनाव से पहले नेशनल पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा बचाने का जरूर था। क्या आपको लगा कि वो मोर्चा ममता ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए खोला था? वेल, गेट विद द टाइम्स गाइस, बिकॉज ये है धरने की असली कहानी। पहला, बंगाल में दीदी ही है बॉस। इससे पहले कि आप हमें ट्रोल करना शुरू करें, तो मैं बता दूं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ममता खुद ये संदेश देती हुई नजर आ रही थी। नजरिया ये है कि राज्य सरकारों या देश भर की एंटी मोदी पार्टियों को ईडी और सीबीआई जैसे मोदी के हथियारों का शिकार बनाया जाता है। ममता दीदी ने ये दिखाने की कोशिश की जैसे मोदी जी ईडन गार्डन में आकर सौरव गांगुली के सामने बॉलिंग कर रहे हैं। तो भैया, विकेट नहीं गिरेगा बल्कि गेंद बाउंड्री के बाहर तो जाएगा ही। तो सीबीआई अफसरों को गिरफ्तार करना और राजीव कुमार के खिलाफ कड़े कदम पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर की बात कहना उसी का हिस्सा था। बाद में पता चला कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया था। दूसरा, ममता महागठबंधन में मुख्य चेहरा। अगर कोई महागठबंधन होता है जो चुनाव लड़ता है और अगर वो जीत जाता है, मुझे पता है बहुत सारे अगर मगर हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दीदी के पास अब गठबंधन में मायावती जैसे अपने कंपेटिटर्स पर एक निर्णायक बढ़त है। आपको पता है, क्योंकि मोदी जी ने उनके पीछे अपनी पूरी फोर्स भेजी और वो उनसे भिड़ गईं। ये पूरा घटना मोदी जी को थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया। तेजस्वी यादव जैसे नेता ने अपने पूरे परिवार का मोदी सरकार की ओर से निशाना बनाने की बात कहते हुए कहा कि लेकिन ममता दीदी ने जो किया वैसा और कोई नहीं कर पाया। नंबर 3, हमेशा सुरक्षा कर्मियों के साथ। ममता के धरने के दौरान सुरक्षा कर्मियों के सम्मान के मुद्दे को लगातार चर्चा में रखा। कोलकाता पुलिस का एनुअल इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन भी धरना स्थल पे ही किया गया और ममता ने बार बार दोहराया कि किस तरह पुलिस वाले रात भर जागते हैं जब हम दुर्गा पूजा का आनंद लेते हैं। ऐसा वो बार बार इसलिए कह रही थी जिससे कि ये धारण बन सके कि मोदी सरकार ईमानदार पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दीदी इस तरह की चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसी मुख्यमंत्री ने तब ऐसा क्यों कदम नहीं उठाया था जब उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। फाइनली, स्ट्रीट फाइटर के रूप में ममता की छवि को मजबूत करना। खुले आसमान के नीचे 3 रातें बिताकर ममता ने साबित कर दिया है कि वह हमेशा की तरह लड़ाई को सड़कों तक ले जाने से नहीं डरती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अब भी याद है कि वो सीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंची। धरने के दौरान उन्होंने एक बार वाकई कहा था कि वो फर्श पर नहीं बैठ सकती क्योंकि करियर में काफी मार खाने के बाद उनका कमर में एक दिक्कत आ गई है। ये साफ तौर पर दिखता है कि ये उनके लिए नई बात नहीं है। ये लड़ाई अभी दिल्ली तक जाती है, सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक, और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। चुनावों तक इस लड़ाई के नए नए रंग आपको दिखते रहेंगे।